नमस्कार, VMR भारत टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आस्था इदुवंशी। आज हम मौजूद हैं जमा रामगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में और आइए जानते हैं चुनावी माहौल क्या है यहां पर। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। आपका नाम क्या है? शंकर लाल मीणा। सर, आप व्यापारी हो, आपके पास कई लोग आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, भाजपा या कांग्रेस? मैडम, जमा रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी महेंद्र पाल मीणा जीतेगा, कम से कम 40,000 वोटों से जीतेगा। गोपाल मीणा आज की डेट में तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे निर्दलीय प्रत्याशी सुमन मीणा। तो कौन, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आने वाली है? हमारे जमा रामगढ़ के अंदर महेंद्र पाल भारतीय जनता पार्टी आएगी, 40,000 मतों से जीतेगा महेंद्र पाल मीणा, इसमें कोई दोराई नहीं है। भाजपा ने और कांग्रेस ने क्या क्या कराया अब तक? मैडम, जमा रामगढ़ में गोपाल मीणा ने 2018 में जो भी वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जमा रामगढ़ बांध से लेकर नक्शी घाटी तक वो रोड नहीं बनी पूरे 5 साल में। जमा रामगढ़ बांध में पानी नहीं आया और कुछ भी काम नहीं हुआ जमा रामगढ़ क्षेत्र के अंदर। और अभी भी वो ये कह रहा है मेरे को 5 साल और दो, तब आपका कुछ काम होगा। जो जनता बिल्कुल बढ़की हुई है कांग्रेस पार्टी की तरफ, एक भी वोट नहीं देगी, महेंद्र पाल मीणा को वोट देगी। और महेंद्र पाल मीणा जमा रामगढ़ से 40,000 मतों से जीतेगा, कम से कम 40,000 मतों से जीतेगा। आज की डेट में कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल मीणा तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे निर्दलीय प्रत्याशी सुमन मीणा है। अच्छा, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? पहलवान मीणा। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी आने वाली है इस बार? मेरे को महेंद्र पाल लगता है ये आ सकता है। महेंद्र पाल से क्या उम्मीद है कि वो क्या क्या परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन करो मत करो, लेकिन वो गोपाल जी को, हम मेरा भाई था, उसको 3 से 3 बार ला दिए, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो अलग आए कोई भी। और पहले जो पार्टी थी भाजपा कांग्रेस, उसने क्या क्या परिवर्तन करा है? कोई किसी नहीं करता है, मैं कांग्रेसी आदमी हूँ, आज पहली बार बीजेपी में दे रहा हूँ वोट। भाई महेंद्र पाल कुछ कर सकता तो, और महेंद्र पाल न करे तो सुमन भी कुछ कर सकती है। गोपाल को मैं बिल्कुल वोट नहीं दूंगा। और क्या लगता है कि है ना, भाजपा क्या क्या इस बार बदलाव करेगी, क्या नहीं करेगी? बदलाव तो कोई करे न करे, लेकिन आदमी अगर अच्छा आदमी हो लाओ, वो करे न करे उसका पता पड़ेगा। आप क्या बदलाव चाहते हो? मैं तो चाहे सुमन आ जाए, लेकिन गोपाल नहीं आना चाहिए। धन्यवाद सर। साल हो गई वोट देते हुए, अभी तक रोड नहीं निकला मेरे गांव में। कम से कम 400 वोट है मेरे गांव में, अभी तक रोड का निशान नहीं है, 8 किलोमीटर बदलाते हैं हम। और कांग्रेस क्या कर रही है अब तक, क्या करा है कांग्रेस ने और क्या नहीं करा है, क्या करना चाहिए कांग्रेस को अगर वो आएगी भी तो? कांग्रेस आएगी नहीं, अब की बात बीजेपी आएगी, महेंद्र पाल आएगा। आप पूरे बीजेपी के पक्ष में हो, तो क्या उम्मीद करते हो कि बीजेपी करके ही दिखाएगी? दिखाएगी, अभी तो दिखानी है, तुम तो 70 सालों के वोट देते हुए, लेकिन अब की बार कैंडिडेट चेंज करेंगे देखा। और कांग्रेस बड़े बड़े दावा करती है, अब तक क्या करा है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया रोड के लिए, हम 70 साल से वोट दे रहे हैं, रोड पुकार रहे हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता, हमारी तो कोई मन मर्जी चलती है। और कोई दूसरी पार्टी लगता है कि है ना, लग रहे हैं कि आ सकती है या नहीं आ सकती है? महेंद्र पाल ही आएगा। महेंद्र पाल, धन्यवाद।